आलू परवल का भुजिया बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम परवल लिया है, जिसे मैंने दो भागों में ही काट लिया है। ये हमारे तीन मीडियम साइज के आलू हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। परवल को साफ करने के लिए इसके दोनों भागों को कट कर दें, फिर इसका हल्का हल्का बस हल्का हल्का ऐसे स्किन निकाल लेना है। इसका हल्के हल्के स्किन निकालने के बाद धो लें और इसे बीच से या आप अपने मनपसंद आकार में इसे काट लें। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे इस बड़ी चम्मच से। तेल वही डालें जो आप खाते हैं। इसमें 1 चम्मच राई और जीरा मिक्स कर लें, इसे डाल दें। 1 लाल मिर्च को हम तोड़ के डालते हैं। अब इसमें हम अपनी परवल को डाल लेते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे गोल्डन फ्राई कर लेना है। एक चम्मच लहसुन है, जिसे मैंने कूट के डाला है। 3 हरी मिर्च है, जिसे मैंने बीज से काट लिया है, उसे भी डाल देते हैं। परवल हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम अपनी आलू को डाल लेते हैं। परवल के साथ आलू को हम 5 मिनट भून लेते हैं। पांच मिनट बाद इसमें हम 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसे ढक के 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाते रहेंगे, तब तक हमारे आलू सॉफ्ट ना हो जाएं। हर एक 2-3 मिनट पे हम इसे चलाते रहेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, मसालों को हल्के से भून लें। फिर से इसे हम ढक के 5 मिनट और पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। ऊपर से हरा धनिया डालें। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। अपना गैस बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी आलू परवल की भुंजिया बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह भुंजिया आपको कैसी लगी।